राष्ट्रीय शिक्षा भूषण शिक्षक सम्मान समारोह में सीएम मोहन यादव ने कहा कि गुरु परंपरा में मध्य प्रदेश बड़ा उदाहरण बनेगा। शिक्षा नीति के प्रावधान प्रदेश में लागू किए जाएंगे। समारोह को आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश सोनी ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, गुरु परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। हम यह भागीरथी प्रयास करेंगे कि गुरु परंपरा में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करें। यह बात मुख्यमंत्री यादव ने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय शिक्षा भूषण शिक्षक सम्मान समारोह में कही। समारोह को संघ के वरिष्ठ नेता सुरेश सोनी ने भी संबोधित किया। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के तीन शिक्षक के अग्रवाल, आर रामचंद्रन और सुमन केकड़िया का सम्मान किया गया। गुरु पूर्णिमा से एक प्रश्न उलझता है, मैजा इसका रास्ता हमने निकाला था इस बार सरकार के नाते से कि गुरु पूर्णिमा पे शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना है। गुरु और शिक्षक में जो अंतर है, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा है जिसको उठा करके मैंने गलती कर दी है, लेकिन मैं महाराज में वो उसका उत्तर ढूंढ रहा था। महाराज ने कहा मैं मौन रखता हूँ नवरात्रि में। मैं महाराज जी का इसलिए रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ कि महाराज जी को हमने माननीय राज्यसभा का सदस्य बनवाया और सदस्य बन के महाराज जी इस हमारे कुछ सदन को सम्मानित करने वाले गौरवशाली सदस्य के रूप में जाने जाने लगे। शैक्षिक महासंघ ने जो ये उपक्रम किया इसलिए उनका साधुवाद करता हूँ कि प्रतीकात्मक रूप में एक परंपरा का प्रारंभ किया है। गुरु पूर्णिमा हर बार बनती है, धीरे धीरे संपूर्ण समाज के अंदर यह शिक्षा सम्मान का एक माध्यम बनना चाहिए। पर इसके साथ साथ शिक्षकों को भी विचार करने की जरूरत है। कुछ समाज की परिस्थितियों बदलने की जरूरत है, कुछ शैक्षिक जगत में भी कुछ आत्मचिंतन की आवश्यकता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।